साथियों, आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न हिंदी आओ हिंदी सीखे में आपका फिर से स्वागत है। आज हम वर्ण विचार के अंतर्गत अल्प प्राण एवं महाप्राण का अध्ययन करेंगे। श्वास वायु या प्राण वायु की मात्रा के आधार पर जब वर्णों का वर्गीकरण किया जाता है तो वह इस प्रकार से होता है, नंबर एक अल्प प्राण वर्ण, नंबर दो महाप्राण वर्ण। अल्प प्राण वर्ण क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास अर्थात प्राण वायु की मात्रा अल्प अर्थात कम होती है वे अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। जब हम अल्प प्राण वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो प्राण वायु निकलती है अथवा हमारे श्वास की वायु निकलती है अथवा जो सांस की वायु निकलती है उसकी मात्रा कम होती है। दूसरे शब्दों में अल्प प्राण की परिभाषा इस प्रकार से है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती वे ध्वनियां अल्प प्राण कहलाती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हकार का अर्थ है की आवाज इन ध्वनियों में सुनाई नहीं पड़ती है। जिन ध्वनियों में है की आवाज नहीं सुनाई पड़ती वे ध्वनियां अल्प प्राण वर्ण कहलाती हैं। अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं? पहला, तीसरा और पांचवां स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर इसमें शामिल किए गए हैं। जैसे स्पर्श व्यंजनों में से क वर्ग में से क, ग, ङ, च वर्ग में से च, ज, ञ, ट वर्ग में से ट, ड, ण, त वर्ग में से त, द, न और प वर्ग में से प, ब, म। ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं। इनकी कुल संख्या 15 है जो कि अल्प प्राण वर्ण में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा 4 अंतस्थ व्यंजन हैं, य, र, ल और व। इसके अलावा सभी स्वर हैं, ऐसे औ तक। ये सभी वर्ण अल्प प्राण वर्ण में शामिल किए गए हैं। इनकी कुल संख्या है 15 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 11 स्वर। 15, 4, 19 और 11, 30, इनकी संख्या 30 है। इसके बाद है महाप्राण वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु या प्राण वायु की मात्रा अधिक होती है वे महाप्राण वर्ण होते हैं। महा शब्द से ही जैसे हमें विदित है कि महा का अर्थ होता है अधिक या बड़ा, प्राण का अर्थ होता है प्राण वायु। तो महाप्राण वर्ण यानी कि जिन वर्णों में प्राण वायु की मात्रा अधिक होती है जिन वर्णों के उच्चारण करते समय वे सभी महाप्राण वर्ण होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। जैसे कुछ ध्वनियां होती हैं जिनके उच्चारण के समय है की आवाज हमें सुनाई पड़ती है की ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है, इसलिए इन्हें महाप्राण वर्ण कहते हैं। महाप्राण वर्ण दूसरा और चौथा स्पर्श व्यंजन और सभी ऊष्म व्यंजन इसमें शामिल हैं। दूसरा और चौथा स्पर्श व्यंजन ख, प्रत्येक पंक्ति का दूसरा और चौथा, ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ और श, श, स और ह, यानी कि 10 स्पर्श व्यंजन हैं और 4 ऊष्म व्यंजन, कुल मिलाकर 14 वर्ण महाप्राण वर्ण की श्रेणी में आते हैं। कुल 30 अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण वर्ण और 14 महाप्राण वर्ण, ये कुल 44 वर्णों का वर्गीकरण किया गया है। अब इनको मैं याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूं। जैसे महाप्राण वर्ण है, महाप्राण को शब्द को आप इंग्लिश में लिखिए MAHAPRAN, महाप्राण। इसमें आप देखेंगे H, इसमें अंग्रेजी का H लेटर
आया है एच फैक्टर। देखिए एच फैक्टर क्या काम करता है महाप्राण में, कि जैसे हम ये जो महाप्राण वर्ण है अगर हम इनको इंग्लिश में लिखेंगे, अंग्रेजी में लिखेंगे, तो खय को लिखेंगे के एच ए, घय को लिखेंगे जी एच ए, छय को लिखेंगे सी डबल एच ए, झय को लिखेंगे जे एच ए। यानी कि इन सभी वर्णों को जब हम अंग्रेजी में लिखते हैं तो प्रत्येक वर्ण में एच का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से ऊष्म व्यंजनों में से शय को लिखेंगे एस एच ए, शय को लिखेंगे एस एच ए, शय को लिखेंगे एस ए, है को लिखेंगे एच ए। यानी कि शय दंत्य शय को छोड़कर बाकी सब में एच का प्रयोग होता है अगर हम अंग्रेजी में लिखते हैं तो। जिस वर्ण के अंग्रेजी में लिखने पर एच उसमें शामिल रहता है वो सभी महाप्राण वर्ण होते हैं। आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि महाप्राण में एच अंग्रेजी में लिखने पर एच इसमें शामिल रहता है, और सभी जो महाप्राण वर्ण हैं उनके अंग्रेजी में अगर हम उनको लिखते हैं तो उनमें एच शामिल रहता है केवल दंत्य शय को छोड़कर। इसलिए केवल दंत्य शय को तो आप याद कर लीजिए, और बाकी सभी जो वर्ण हैं आप उनको एक बार अंग्रेजी में लिख कर देखिए, अगर एच शामिल है तो वो महाप्राण वर्ण होता है। यदि एच अंग्रेजी उसके अंग्रेजी में लिखते समय एच अगर उसमें शामिल नहीं है तो वो अल्पप्राण वर्ण होता है। ये ट्रिक आप हमेशा याद रखिए, आप कभी नहीं भूलेंगे अल्पप्राण और महाप्राण वर्ण। जहाँ एच होता है वे महाप्राण होते हैं, बाकी सभी अल्पप्राण होते हैं, ये आप याद रख लीजिए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिल सके और आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आ सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।